हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ प्रोग्राम विच इज़ अ प्रोग्राम मेड इन असेंबली लैंग्वेज एंड दिस प्रोग्राम इज द प्रोग्राम विच इज़ यूज टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में जब भी हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें उसका प्रोग्राम यहाँ पे बनाना है। ये आपको डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा और आपने सिर्फ ये इतना प्रोग्राम अपने एग्जाम में लिखना है। अब यहाँ पे देखो क्या है, जब भी हम असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसमें हम मिनमोनिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, मिनमोनिक्स क्या होते हैं? मिनमोनिक्स होते हैं हमारे के कुछ स्पेसिफिक आपको टर्म्स दे दी गई हैं, दे आर नोन एज मिनमोनिक, उनको आपने यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे MOV आपने देखा होगा, ऐड लिख देखा होगा। ठीक है, MOV का मतलब होता है मूव करना, ऐड का मतलब होता है ऐड करना, ये मिनमोनिक्स हैं। ठीक है, अब जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है वो किससे बनता है? इन मिनमोनिक्स से बनता है। हमेशा आपने जो प्री डिफाइंड मिनमोनिक्स है उन्हीं को यूज़ करके अपने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनाना होता है। और इसमें क्या यूज़ होता है? इसमें बहुत सारे रजिस्टर्स यूज़ होते हैं, जैसे आपने यहाँ देखा होगा AX, AL, AH, ये सारे रजिस्टर्स हैं। आप जब माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर पढ़ते हो, हमने अपने सिलेबस में किया हुआ 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर हमने पढ़ा हुआ, उसमें हमने रजिस्टर्स पढ़े हुए हैं AX, BX, CX, DX, उसके आगे दो पार्ट्स होते हैं AL एंड AH, BX के आगे दो पार्ट्स होते हैं BL एंड BH, वो रजिस्टर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सारे। ठीक है, तो यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं कि जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम क्या होता है, टू ऐड टू नंबर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि जो मेरा असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू फोर सेगमेंट्स। फोर सेगमेंट का मतलब कि आपका एक प्रोग्राम जो है, जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाओ असेंबली लैंग्वेज में, उसके फोर सेगमेंट मीन्स पोर्शंस, एरियाज, फोर पोर्शंस उसके हो सकते हैं अलग अलग। जब हम उसको डिवाइड करेंगे, स्प्लिट करेंगे, वो ये फोर पोर्शन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है डेटा सेगमेंट, दूसरा होता है कोड सेगमेंट, तीसरा होता है एक स्टैक सेगमेंट और फोर्थ होता है एक्स्ट्रा सेगमेंट। ठीक है, अब ये चारों जो हैं, ज़रूरी नहीं है इन सारे सेगमेंट को अपने प्रोग्राम में यूज़ किया जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि चारों में से जो आपको अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चाहिए उस सेगमेंट को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सबसे मैंडेटरी कौन सा होता है? जब भी कोई प्रोग्राम बनाओ तो ये जो कोड सेगमेंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये सबसे ज़रूरी होता है। अगर कोड सेगमेंट नहीं है इसका मतलब आपके प्रोग्राम में कोई कोडिंग ही नहीं है, प्रोग्राम ही नहीं है इसका मतलब। तो ठीक है, तो कोड सेगमेंट में कोडिंग करते हैं, डेटा सेगमेंट में डेटा मीन्स आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर करते हैं, स्टैक सेगमेंट में हम अगर कोई पुश एंड पॉप वाले ऑपरेशन ऐसे परफॉर्म करने हैं तो स्टैक सेगमेंट बनता है, और एक्स्ट्रा सेगमेंट में होती है अगर हमने कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वो एक्स्ट्रा सेगमेंट में परफॉर्म होते हैं। अब ये जो मेरा प्रोग्राम है टू ऐड टू नंबर्स, इसमें मैंने सिर्फ दो ही सेगमेंट यूज़ किए हैं। ठीक है, मैंडेटरी होता है सिर्फ, चाहे आप मिनिमम कोड सेगमेंट यूज़ करोगे ही करोगे, बाकी कोई यूज़ करो ना करो। ठीक है, बट मैंने यहाँ दो यूज़ किए हैं, क्यों? क्योंकि डेटा सेगमेंट देखो क्या उसका यूज़ क्या होता है, डेटा सेगमेंट में हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, num1, num2 एंड result। ठीक है, डेटा सेगमेंट शुरू किया, जब शुरू किया तो लिखते हैं डेटा सेगमेंट। एंड एक चीज़ और याद रखो, जब भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनाते हैं तो हमेशा कैपिटल में, कैप्स में, देखो सारा प्रोग्राम मैंने कैप्स में लिखा हुआ है। ठीक है, हमेशा उसको किस में लिखना है? कैपिटल्स में लिखना है सारा कोड। ठीक है, अब मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन शुरू की है तो यहाँ पे ये डेटा सेगमेंट मैंने लिख दिया, फिर मैंने num1 वेरिएबल डिक्लेयर किया। जब भी आप बाकी लैंग्वेजेस में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो उसकी डेटा टाइप साथ में मेंशन करते हो, तो इसकी डेटा टाइप है DB। DB की फुल फॉर्म होती है डेटा बाइट, बाइट मींस डेटा बाइट, बाइट क्या होती है? वन बाइट, बाइट का मतलब वन बाइट। इसका मतलब ये वेरिएबल अपना डेटा को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी लेगा? वन बाइट ऑफ मेमोरी लेगा। ठीक है, और इसके बाद दिया हुआ है 9H, 9 इसकी वैल्यू है किसकी? num1 की, और H का मतलब है कि ये 9 कैसा नंबर है? हेक्साडेसिमल नंबर है ये, ना तो ये डेसिमल है, ना ऑक्टल है, ना बाइनरी है। तो अगर H लिखते हैं हेक्साडेसिमल होता है। फोर टाइप्स पॉसिबल होती हैं यहाँ पे, हेक्साडेसिमल के लिए H, ऑक्टल के लिए O। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं लिखते या D लिखते हैं तो डेसिमल, और अगर बाइनरी लिखना है तो 0 और 1 के साथ B। ठीक है, अब अगर कुछ भी नहीं लिखा, भूल गए लिखना कुछ, तो ये डेसिमल नंबर कंसिडर होगा। ठीक है, अब ये जो DB है, ये जैसे int, float, आप डेटा टाइप्स यूज करते हो ना, ऐसे ही यहाँ पे हमारा डेटा टाइप है DB, डेटा बाइट। इसकी जगह होता है DWB होता है, वो होता है डेटा वर्ड, वर्ड ज़्यादा मेमोरी लेता है, कितनी? 2 bytes। उसके बाद होता है DD, डिफाइन डबल वर्ड, ठीक है, वो लेता है हमारा 4 bytes। DQ, वो लेता है डिफाइन, उसकी फुल फॉर्म होती है डिफाइन क्वाड वर्ड,
वो लेता है हमारा 8 bytes, और DT वो होता है डिफाइंड 10 bytes, वो लेता है 10 bytes, ठीक है। ये इनमें से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, मैंने DB यूज़ किया है। ऐसे दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू है 7 इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। थर्ड वेरिएबल रिजल्ट है, उसकी डेटा एक तो DB है, पर अभी हमने उसमें एडिशन करके वैल्यू लेके आनी है, तो अभी वो एम्प्टी है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड है अभी, ठीक है। अब कोड सेगमेंट हो गया एंड, जो शुरू किया वो खत्म हो गया, क्योंकि अब हमने और वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करने, वी विल एंड दिस कोड सेगमेंट। नाउ वी आर दिस डेटा सेगमेंट सॉरी नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द कोड सेगमेंट। कोड सेगमेंट में हम सारा अपनी कोडिंग, सारे एडिशन का जो काम है वो हम सारा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, देखो जो डेटा सेगमेंट है वो होता है हमारे इस डेटा वेरिएबल में, और जो कोड सेगमेंट होता है वो होता है हमारा कोड वेरिएबल में कह लो, या कोड रजिस्टर में कह लो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एज्यूम करना है कोड सेगमेंट में इस साइड जो है वो क्या है, जिसमें डेटा ऑलरेडी है, और जो DS पहले लिखा है, हम कहते हैं कि हम डेटा सेगमेंट को किस नाम से कॉल करेंगे, DS नाम से, और कोड सेगमेंट को किस नाम से कॉल करेंगे, CS में। अब एक्चुअल डेटा पड़ा कहाँ है, डेटा डेटा वेरिएबल में पड़ा है, कोडिंग वाला सारा पार्ट जो कोडिंग का इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पड़ी है, कोड में पड़ी है, ठीक है। अब हमने डेटा को DS में डालना है और कोड को CS में डालना है, पहले तो डेटा को DS में डाल लेंगे। इसके लिए सबसे पहले ये तो एज्यूम किया था अभी कोड सेगमेंट स्टार्ट होगा, ठीक है। जब स्टार्ट हुआ तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने बोला था अभी कि डेटा में हमारा ये सारे वेरिएबल्स पड़े, इनको DS में लेके आना है, ठीक है। बट इनको डायरेक्टली नहीं लेके आ सकते, इनको लेके आने के लिए क्या करेंगे, मूव मिनमोनिक यूज करेंगे, MOV इज फॉर मूव। हमेशा मिनमोनिक्स 3 लेटर्स के बने होते हैं, हमेशा आप देखो MOV 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 INT ADD, ये मिनमोनिक्स, और ये हमेशा 3 जो लेटर्स हैं उनसे बनते हैं। जब भी MOV यूज करो, मतलब मूव करना, मूव करना मतलब एक रजिस्टर से डेटा या मेमोरी लोकेशन से डेटा रजिस्टर में लेके आना, या मेमोरी से या रजिस्टर से मेमोरी में डालना। अब जब भी MOV यूज करो तो हमेशा याद रखना जो सेकेंड है वेरिएबल या रजिस्टर का नाम, उससे डेटा कहाँ जाएगा, फर्स्ट में मूव होगा हमेशा, ठीक है। सो डेटा में क्या है, ये चीजें पड़ी हैं, इनको कहाँ ले आए हम, AX रजिस्टर में। AX इज अ रजिस्टर जिसमें हम अपना कोई भी, जब भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम यूज करते हैं तो हम AX BX AL इन सारे रजिस्टर्स में अपना डेटा डालते हैं, ठीक है। तो हमने एक डेटा जो कि एक सेगमेंट था उसका डेटा उठाया और किसमें डाल दिया, AX रजिस्टर में डाल दिया, ठीक है। बट इसको लेके तो कहाँ आना था, डेटा को लेके कहाँ आना था, DS में, DS रजिस्टर में। अब DS में तो आया नहीं, अभी तो डेटा को किसमें डाला, AX में। अब हम क्या करेंगे, एक और मूव यूज करेंगे MOV, जिसमें AX अभी पीछे, जिसमें अभी हमने सारे वेरिएबल डाले थे डेटा में से निकाल के, अब इसमें सारे सारा कुछ है, इस रजिस्टर से अब हम DS रजिस्टर में डाल देंगे, ठीक है। जो भी हमने ज्यूम किया था कि DS में इसको डालना है, हम इसमें इसको DS में डाल क्यों रहे हैं, जब तक हम ये सारे वेरिएबल DS में नहीं डालेंगे हम इन वेरिएबल को यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है, हम डायरेक्ट डेटा से DS में मूव नहीं कर सकते, क्योंकि इन रजिस्टर्स की कुछ कैपेसिटी का कुछ डिफरेंस होता है। तो हम इसको AX में पहले मूव करते हैं, फिर AX को DS में मूव करते हैं, ठीक है। तो अब मेरा जो डेटा थे, कौन से, जो मेरा नंबर नाम 1 नाम 2 जो वेरिएबल थे वो DS रजिस्टर में आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने, अब मेरे पास वेरिएबल मतलब अब अवेलेबल हो गए हैं, पहले मेरे पास नहीं थे, मेरे प्रोग्राम में वो वेरिएबल नहीं आए थे, अब आए हैं वो, कब, जब मैंने ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म किए, ठीक है। उसके बाद अब हमने इनको करना है ऐड। ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नाम 1 और नाम 2 हमारे पास अभी आ गए हैं, इनको हम अपने वेरिएबल्स में डालेंगे। नाम 1 को किस में डाला, AL में, AL इज ऑल्सो रजिस्टर, ठीक है। AL जो AX रजिस्टर है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, AL एंड AH, ठीक है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं, कह लो AL में, AX की मान लो 8 बिट्स हैं, 4 बिट्स होती हैं AL और आगे वाली 4 बिट्स होती हैं AH। अब नाम 1 में जो भी ऊपर 9 वैल्यू थी उसको मूव कर दिया हमने AL रजिस्टर में, एडिशन परफॉर्म करने के लिए हम पहले उसको अपने रजिस्टर्स में डाल देंगे वेरिएबल की वैल्यू को, ठीक है। नाम 1 तो कहीं मेमोरी में स्टोर है, उसको मेमोरी से उठाया और AL में डाल दिया। अब क्या करेंगे, AL में आ गई वैल्यू, ठीक है, ये रजिस्टर में है, और दूसरी नाम 2 कहाँ है, मेमोरी में, रजिस्टर AL और मेमोरी में नाम 2 जहाँ पे स्टोर है वहां से हम उसकी वैल्यू दोनों की लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करके रिजल्ट कहाँ जाएगा,
एल में ही जाएगा, ठीक है। हेयर एल प्लस नाम वन विल बी इक्वल टू एल, एल में ही उनका एडिशन चला जाएगा। तो एडिशन हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें ये थर्ड वेरिएबल जो रिजल्ट है इसमें एडिशन को डालना है। फिर हमने क्या किया, मूव एल में एडिशन पड़ा है मेरा, उसको कहाँ मूव कर दिया, रिजल्ट वेरिएबल में। तो देखो रिजल्ट में आ गया मेरे पास, ठीक है, हो गया वो एडिशन, हो गया, और कुछ नहीं करना। अब उसके बाद क्या करना है, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से एग्जिट करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर आ जाना है, एडिशन हो गया हमारा। तो जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर आना है तो ये जो ए एक्स रजिस्टर का दूसरा पार्ट है, पहला तो ए एल था ना, दूसरा पार्ट है ए एच, इसमें हम क्या वैल्यू डाल देंगे, 4CH वैल्यू डाल देंगे। ये फिक्स ही होती है, ये दो जो लाइन्स हैं ये यूज होती हैं हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर आने के लिए, ठीक है। तो जब भी हम ए एच रजिस्टर में 4CH डालेंगे, ठीक है, ए एच में डाल दिया, तो हमारी इंटरप्ट कौन सी, आई एन टी का मतलब होता है इंटरप्ट, ठीक है, इंटरप्ट कौन सी होगी हमारी, 21H जो हमारी इंटरप्ट है वो अकर होगी, ठीक है। 21H जो हमारी इंटरप्ट है ये हमें क्या करती है, एग्जिट करती है हमें हमारे डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से, हम और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। बस उसके बाद तो हमारा प्रोग्राम खत्म ही है, एंड ही है हमारा, ठीक है। सो ये दो लाइंस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम से एग्जिट करने के लिए यूज की जाएंगी, ये जो तीन लाइंस हैं ये एडिशन के लिए यूज की जा रही है, ये जो डेटा है उसको डीएस में डालने के लिए यूज की जा रही है, ठीक है, यहाँ हमने एज्यूम किया है। उसके बाद एंड हो गया, एंड ये वाला जो एंड है ये किसका एंड हो गया हमारा, ये वाला एंड हो गया स्टार्ट का, ठीक है, और ये वाला किसका हो गया, हमारे कोड सेगमेंट का एंड हो गया। सो दो एंड हमने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। सो दिस इज द प्रोग्राम ऑफ एडिशन ऑफ टू नंबर्स। अगर आपको मैंने दूसरा प्रोग्राम भी दिया हो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, उसमें और इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ ऐड की जगह क्या लिख लेना है, एस यू बी सब लिख लेना है, बाकी सारा प्रोग्राम सेम है, ठीक है। ऐड की जगह एस यू बी सब्ट्रैक्शन का एस यू बी कैपिटल में यहाँ लिख लेना है, बाकी सब कुछ सेम है। बस इन दो प्रोग्राम्स को लर्न कर लो। So with this we have finished with the topic of addition of two numbers.